फरीदाबाद के एक छोटे से गांव सतपुरा से दूध का व्यवसाय शुरू करते करते आज फरीदाबाद के सबसे बड़े और नामचीन होटलों के अंदर मिलन का नाम शुमार होता है और इसका नाता जुड़ा है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से। आज वो हमारे साथ हैं। आखिर किस तरीके से इस मुकाम तक वो पहुंचे और कितनी मेहनत करके जो है वो उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, उन्हीं से खास बात है। मंत्री जी, किस तरीके से छोटा सा व्यापार शुरू करा था आपने, बर्फी का काम और दूध का काम शुरू किया था और आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए कि आज मिलन की जो है वो पता नहीं कितनी ब्रांच है। ये सब का श्रेय मेरे पिताजी को और माता को जाता है और उससे दूसरा श्रेय मेरे बड़े भाई को जाता है। और पिताजी का सबसे पहले दूध का कारोबार था और दूध के कारोबार के साथ साथ मेरे बड़े भाई एक सरकारी मुलाजिम थे, दूसरे भी सरकारी मुलाजिम थे, उसके साथ साथ हमने दूध का काम किया। 1970 में दूध की शुरुआत हुई और 70 के शुरुआत के बाद तो हमने दूध के कारोबार को बढ़ाया, फिर हमने घी के काम को बढ़ाया और उस समय दूध हमें 50 पैसे किलो, 50 पैसे 75 पैसे पर किलो मिलता था और फिर ज़्यादा औद्योगिक शहर था, उद्योग में सबसे ज़्यादा दूध की डिमांड थी और सारे भारत के लोग फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में कारोबार के लिए और काम के लिए यहाँ लोग पूरे भारत से आ रहे थे। उस समय शुरुआत की थी और धीरे धीरे शुरुआत करने के बाद हम पांचों भाइयों ने मिलकर मेहनत करी। पांचों भाई, मेरे छोटा भाई है, तीन मेरे से बड़े हैं और हमने शिक्षा के साथ साथ अपने काम को, पांचों भाइयों ने शिक्षा के साथ साथ इस काम को बढ़ाया और काम बढ़ता रहा। उसके बाद 1980 मैंने मिडल की और उसके बाद मिडल करने के बाद मैंने 1987 में एमए की। एमए करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिली, नौकरी के बाद हमने मिठाई की दुकान की शुरुआत 1988 में की और 88 की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे फिर हमने सेक्टर 16 की दुकान को खोला, फिर 11 की को खोला, फिर हमने 2000 में अपने वाटिका को खोला और 2002 में हमने सीकरी पे खोला और आज हमने सेक्टर 2 में खोला। ये धीरे धीरे काम चलता रहा। पांच भाई, आठ भतीजे हमारे सारे पढ़े लिखे परिवार के साथ ही सब इकट्ठा सामूहिक परिवार इसमें लगे रहे और सामूहिक परिवार के साथ साथ हमने काम से कभी हमने समझौता नहीं किया। काम मेहनत का हो या कोई काम हो, उससे काम करने में हम सारे भाई और हमारे भतीजे इसमें लगे। कहीं ना कहीं आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है वो आपका हरियाणा सरकार के अंदर है, कितना फ़ायदा जो है वो इस मिलन स्वीट से आपको मिला, क्योंकि लोगों से कहीं ना कहीं संपर्क ज़्यादा इससे टच में आए होंगे। कोई शहर का उद्योगपति ऐसा नहीं है जो जिससे हम परिचित के मोहताज हैं, कोई सामाजिक धार्मिक काम व्यक्ति कोई ऐसा नहीं जिसको हम ना जानते हों। और पहले दूध का जब काम था तब भी हम जानते थे, शहर के हर आदमी को जानते थे और इस शहर का रोज का काम है, रोज शहर के लोगों से मिलना जुलना। और दूध का काम तैसे या ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, हर जगह आदमी मिलता है और सुबह शाम मुलाकात होती है। ये कारमा चलता रहा और मुझे 2000 में मैं 2000 मेंबर बना कमीशन का और मेंबर के बाद मैं आज 14 में विधायक बना, 19 में कैबिनेट मंत्री बना। कहीं ना कहीं मिलन का आज एम्पायर बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है, आगे और इसको कितना फैलाने की उम्मीद है, क्योंकि अब जिस तरीके से हल्दीराम की ऑल इंडिया ब्रांचें हैं, क्या इस तरीके से अब आगे स्टेप कुछ उठाने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, मेरा ये मानना काम बड़ा हो या छोटा हो और काम को बढ़ाना उतना ही चाहिए जितना काम को आप पूरा कर सकें। ज़्यादा काम बढ़ाना भी ठीक नहीं है, काम बढ़ाने के परिणाम काम उतना कीजिए जिस काम को आप संभाल पाए, आपका परिवार संभाल। आते मैं मानता हूँ मेरे सारे आज नौकरी तो योग्यता मेरिट के आधार पर है, मेरी बेटियाँ बहू हैं सारी एमए हैं, बीकॉम हैं, एलएल भी हैं और बीटेक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। हम चाहते हैं इस काम को अपने जिस तरह के वेंकट हॉल हैं, मिठाई की दुकान है और मेरी सबसे बड़ी डेयरी है, मेरी 150 गायों की है मेरे पैतृक अपने गांव में और मेरे बड़े भाई सुबह शाम जाते हैं दूध कढ़ा के सारी दुकानों पर देने का काम करते हैं और मेरे भाई आज भी
सुबह 4 बजे उठते हैं और सुबह 7 बजे दूध लाने का काम करते हैं, जिनकी 76 साल उम्र है। तो इस काम को उतना ही बढ़ाना है जितना काम बच्चे कर लें। ज़्यादा काम ये कि बच्चे, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, तो उनको भी आने वाले समय में इस तरह के काम, जो काम करना चाहिए जिस काम की जानकारी हो, बिना जानकारी के कोई काम नहीं करना चाहिए। हमने क्रेशर भी खोला था और क्रेशर की शुरुआत हुई थी अपने ध्वज में, पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में हम उस कारोबार में जाना चाहते थे, पर वह सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का फैसला आया, हम उससे दूर हो गए। कि हम चाहते थे एक बच्चा उसमें काम करे, क्रेशर में काम करे। तो ये मामला है कि जो काम मैं मानता हूँ जिसमें हमने बहुत बड़ा घाटा खाया, तो मैं मानता हूँ वही काम करना चाहिए जिस काम का लाभ हो, जिसकी जानकारी हो। तो ये कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में मूलचंद शर्मा हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि एक छोटी सी हलवाई की दुकान, यानी कि कह सकते हैं दूध का छोटा सा व्यवसाय करके जो है वो आज इतना बड़ा करोड़ों रुपए का एम्पायर जो है वो मिलन स्वीट्स का है, कि फरीदाबाद के हर बच्चे की जुबान पे जो है वो मिलन स्वीट्स की बर्फियां और मिलन स्वीट्स की जो मिठाई हैं वो उनका स्वाद चखने के लिए लोग तरसते हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद जो है वो इन्होंने इस मुकाम को हासिल करा और सभी भाइयों ने मिल करके इनका जो है वो पूरा इस जो सफ़र है इसके अंदर जो है वो बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया है। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18 हरियाणा।